हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी हैव स्टार्टेड दिस लेसन द प्रपोजल रिटन बाय एंटन चेखव। बच्चों, इस एक छोटा सा प्ले है, एक छोटा सा नाटक है जिसको हम वन एक्ट प्ले कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने रशियन वेडिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमको पता चली। उसके बाद हम इसके तीन करेक्टर के बारे में जान पाते हैं, स्टीफन स्टेपनोविच शुबुको, नताल्या स्टेपनोवना और इवान वासिलेविच लोमो। तो लोमो जो है चुबुको के घर पे गया है, अच्छा कपड़ा पहन के गया है, इवनिंग ड्रेस में है, उसने ग्लव्स लगा के रखे, जूते मोजे पहने हुए, टाई लगाया है, और वो किस लिए गया है बच्चों? वो गया है चुबुको के यहाँ गया है क्योंकि उसको शादी करनी है नतालिया से। अब शादी क्यों करनी है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, किसी बच्चे का सही जवाब नहीं आया था कि उसको शादी क्यों करनी है, क्या वो मतलब उससे लव करता है या कोई पुरानी बात पड़ी हुई है, कोई पहले से उसके पापा या उसके बाबा ने बातचीत करके रखा था, क्यों उसको शादी करना। तो शादी बच्चों इसलिए करना है कि लोमो ने सोचा कि नतालिया इकलौती लड़की है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो उसको मिल जाएगी अगर वो शादी नतालिया से हो जाती है। तो नतालिया की पूरी प्रॉपर्टी यानी चुबुको की पूरी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, बस प्रॉपर्टी के लिए ही वो शादी करना चाहता है। लेकिन अच्छी बात होने के बजाय वहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और अक्सन मीडोई नाम का एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसको लेकर ये लोग खूब लड़ाई करते हैं। नतालिया कहती है कि अक्सन मीडो हमारा है और ये कहते हैं हमारा है। नतालिया कहती है कि वो कोई बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है, केवल 5 डेसियाटिन्स है और जिसकी कीमत 300 रूबल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी गलत गलत होता है, आप जो कह रहे हो वो गलत है, वो आपका नहीं है। तो इस तरह लड़ाई होती है। उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। नतालिया इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मॉवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे, लोमो वाट। नतालिया कहती है आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, मैं प्रूव कर सकती हूँ, मैं अपने मॉवर्स को आज भेजूँगी। मॉवर्स का मतलब जो मोविंग करते हैं, जो घास की कटाई करते हैं, मैं उस मीडो पर भेजूँगी और इससे मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो मेरा ही है, क्योंकि जब हम अपने मावर्स को कहेंगे कि वो हमारे खेत में चले जाओ तो चला जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोमो कहते व्हाट, माय मावर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, लोमो आई विल गिव इट टू देम इन द नेक। लोमो कहता मैं उनके गर्दन पे मारूंगा अगर वो उस खेत में पहुँचे। नतालिया कहते यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसके गर्दन पे मारोगे। क्लचेस एट हिज हार्ट, ऑक्सन मीडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन। लोमो के सीने में यहाँ हार्ट के पास थोड़ा कुछ हुआ है, लेकिन हार्ट के पास हाथ रख कर पकड़ लेता है और उसके बाद भी वो बोलता है, क्या बोलता है कि ऑक्सन मीडोज हमारा है, तुम समझ रही हो वो हमारा है। नतालिया प्लीज डोंट साउट, यू कैन साउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस आउट, बट हीयर आई मस्ट आस्क यू टू रेस्ट्रेन योर सेल्फ। नतालिया कहती है प्लीज डोंट साउट, यहाँ पर चिल्लाइए मत, आप अपने घर पर चिल्ला सकते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल में रहिए क्योंकि ये मेरा घर है। लोमो इफ इट वॉज नॉट मैडम फॉर दिस अवफुल एक्सक्रूसिएटिंग पल्पिटेशन, इफ
my whole inside was not upset. I would talk to you in a different way. Auction me to your mind. लोमो कहता है अगर इस समय मेरी स्थिति ठीक ना होती, अगर मेरा हार्ट बीट बढ़ी नहीं होती, पालपिटेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, हार्ट बीट का बढ़ जाना, अचानक आपकी जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो उसको पालपिटेशन कहते हैं, अगर मेरा पूरी बॉडी अपसेट ना होती तो मैं आपसे आज थोड़ा अलग तरीके से बात करता हूँ। ऑक्सन मिडोज आर माइन आवर्स लोमो माइन नतालिया आवर्स लोमो माइन। तो इनकी दोनों की यही लड़ाई चल रही है, नतालिया कहती है आवर्स और लोमो कहता है माइन, आवर्स माइन आवर्स माइन यही होता है। तब तक चुबुको आ जाते हैं, नतालिया के फादर। चुबुको कहते हैं व्हाट इज द मैटर, कि क्या बात है, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो। नतालिया कहती है पापा प्लीज टेल द जेंटलमैन हु ओन ऑक्सन मिडोज वी आर ही। ऑक्सन मिडोज किसका है पापा बता दो, हमारा है कि इनका है। चुबुको कहते हैं डार्लिंग द मिडोज आर आवर्स, वो मिडोज तो हमारे हैं। लेकिन लोमो कहता है बट प्लीज स्टीफन स्टेपनोविच हाउ कैन दे बी योर्स, डू बी अ रीजनेबल मैन, माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मिडोज फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पेजेंट्स। आप कैसे हो सकते हैं जबकि सबको पता है कि मेरी आंट के जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने वो ज़मीन आपके पिता के जो ग्रैंडफादर थे उनके किसानों को फ्री यूज करने के लिए उस समय दे दिया था, लेकिन वो आपके नहीं है। द पीजेंट्स यूज टू लैंड फॉर 40 ईयर्स एंड गॉट अकस्टम टू इट एज इट वाज देयर ओन। अब वो किसान लोग उसमें खेती करते करते 40 साल हो गया, तो 40 साल में उनको लगने लगा ये ज़मीन उनकी है। व्हेन इट हैपेंड दैट चुबु को एक्सक्यूज माय प्रीसियस यू फॉरगेट जस्ट दिस दैट द पीजेंट डिड नॉट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट बिकॉज द मिडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन। लेकिन आपको पता होगा कि पीजेंट ने आपके ग्रैंड मदर को कुछ पे नहीं किया था, और इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो मिडोज डिस्प्यूट में थे। एंड नाउ एवरीबॉडी नो दैट दे आर आवर्स, इट मीन दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान। अभी सब लोग जानते हैं कि वो मेरा है। लोमो आई विल प्रूव यू दे आर माइन, लोमो कहता मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो हमारे हैं। चुबू यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग लोमो आई सेल। चुबू को डियर वन वाई येल लाइक दैट, क्यों चिल्लाते हो, यू वॉन्ट प्रूव एनी थिंग जस्ट बाई येलिंग, चिल्ला कर, येलिंग येलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, चिल्लाना। तो इस तरह चिल्ला कर आप कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग आप योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वट आई हैव। चुबुको बोलता है कि जो आपका है वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है वो मैं नहीं दूंगा किसी को, वाई शुड आई, मैं क्यों दूँ। एंड यू नो माई बिलव्ड दैट इफ यू परपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, अगर आप इस तरह आर्ग्यू करते रहोगे बहस करते रहोगे, आई वुड मस्ट सूनर गिव अप द मिडोज टू द पेजेंट दैन टू यू, अच्छा होगा कि वो मिडोज में किसानों को दे दूँ आपको देने से अच्छा। डियर आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। लोमो कहता है ये कैसे हो सकता है, आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी उठाकर किसी और को कैसे दे सकते हो। लोमो को चुबुको कहता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट आर नॉट, बिकॉज यंग मैन आई विल नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। आई यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट हेजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट। तो चुबुको कहता कि यंग मैन मेरे सामने इस तरह की बातें मत करो, मैं तुम्हारी उम्र से दोगुनी उम्र का हूँ, मेरे सामने गर्मी मत दिखाओ, मेरे सामने गुस्सा मत करो, मेरे सामने तेज आवाज़ में बात मत करो, मैं केवल इतना चाहता हूँ। लोमो कहता नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल वॉन्ट टू हैव मी ऑन, यू कॉल माई लैंड योर्स एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली। यह ऐसा कैसे हो सकता है
तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? तुम मेरी ज़मीन को अपनी ज़मीन बोलते हो, उसके बाद तुम सोचते हो कि मैं तुमसे बहुत विनम्रता से बहुत ही शांतिपूर्वक बात करूँ। गुड नेवर डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे नेवर इस तरह बात नहीं करते हैं। स्टीफन स्टेपनोविच, यू आर नॉट नेवर, यू आर अ ग्रेवर। आप नेवर नहीं हैं, आप ग्रेवर हैं। आप ज़मीन कब्जा करने वाले हैं, दूसरों की ज़मीन हड़पने वाले हैं। चिबुको, व्हाट इज दैट, व्हाट डिड यू से, आपने अभी क्या कहा? पापा, सेंड द मोवर्स आउट टू द मीडोज एट वंस। अच्छा कहते पापा, आप मोवर्स को जल्दी भेजिए मीडोज में, देखें ये क्या करते हैं। व्हाट डिड यू से सर? नतली अक्सर मीडोज आवर्स हैं। आई सेंड गिव देम अप, सेंड गिव देम अप, सेंड गिव देम अप। नतली कहती अक्सर मीडोज हमारा है और हम उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नो, वी विल सी, आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल सी। लोमो कहता है कि मैं मामला कोर्ट में लेकर जाऊंगा, वहां मैं आपको दिखाऊंगा। चुबुक कहता है टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट यू कैन, आई नो यू, यू आर जस्ट ऑन द लुकआउट फॉर अ चांस टू गो। मैं जानता हूं तुमको कि तुम कोर्ट जाना चाहते हो। ऑल दैट यू पेटी फॉगर, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, तुम्हारे जितने भी दादा परदादा थे सब तुम्हारे जैसे ही थे, वो सबको कोर्ट कचहरी करने में बहुत मज़ा आता था। लोमो, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, द लोमोज हैव ऑल बीन ऑन रेबल पीपल एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राई टू एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। लोमो, लोमोज यहाँ पर बोला है, लोमोज का मतलब इनका खानदान, लोमोज, वो सभी बहुत ही ऑनरेबल पीपल थे, मतलब रेस्पेक्टेबल पीपल थे, सभी सम्मानित लोग थे, किसी ने भी एम्बेजलमेंट करने का प्रयास नहीं किया। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? घपला करना, चोरी करना, चीटिंग करना, लूट करना, ठीक है, किसी की ज़मीन हड़प लेना, ये सारा काम कभी नहीं किया। जैसे कि लाइक योर ग्रैंडफादर, चुबुक कहता है यू लोमोज हैव बिन हैव हैड लुनेसी इन योर फैमिली। सो चुबुको कहता है आपके परिवार में लुनेसी चलती रही, लुनेसी, लुनेसी का मतलब बच्चों क्या होता है? एम ए डी, मैड, लुनेसी का मतलब मैडनेस। तो आपके तो सब लोग पागल हैं, आल ऑफ यू। नतालिया कहती है आल आल आल, सब पागल हैं। नतालिया को तो मज़ा आ रहा है, नतालिया कहती आल आल आल। चुबुको, योर ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकर्ड। चुबुको कहता है आपके जो बाबा जी थे, दादा थे, वो एक ड्रंकर्ड थे, खूब सारी शराब पी के पड़े रहते थे। एंड योर आंट नतासिया मिहेलोना, और आपकी जो एक आंटी थी जिनका नाम नतासिया मिहेलोना था, रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन, वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लोमो, एंड योर मदर वाज हम्पबैक्ड। लोगों कहते अच्छा, वो आपकी माता जी के कुबड़ निकला हुआ था, आपको पता है? समथिंग पुल्ड ऑन माई इन माई साइड माई हेड, हेल्प वाटर। तभी उसका सिर दर्द करने लगता लोमो का, क्योंकि लोमो के यहाँ हार्ट के पास भी पेन हो रहा था। उसने कहा मेरा सिर चकरा रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे पानी दे दो। चुबुको कहता है योर फादर वाज ए गजलिंग गैम्बलर, तुम्हारे पिता जो एक जुआरी था, गैम्बलर था। नतले एंड दियर आई एम नॉट बीन मैनी बाइक बैटर्स टू इक्वल टू योर आंट, और जितनी बुराई पीठ पीछे बुराई तुम्हारी आंट करती उतना कभी किसी ने नहीं किया होगा। माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रीगर, ओ माई हार्ट, इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर लास्ट इलेक्शन यू ब्री आई कैन सी स्टार्स, वेयर इज माई हैट। अब चुबुको कहता है कि मेरा बायां पैर जो है सुन्न हो रहा है मेरे हार्ट के पास, ठीक है, मैं स्टार्स देखने वाला, मेरा हार्ट कहाँ है? चुबुको, नहीं बच्चों, ये एक्चुअली लोमो है, लोमो बोलता है। नतालिया कहता है इट्स लो, इट्स डिसऑनर्ड, इट्स मीन। चुबुको कहता है यू आर नॉट अ मेलिशियस डबल फेस्ट, यू आर जस्ट अ मेलिशियस डबल फेस्ट इंट्रीग्यूअर। चुबुको कहता है आप मेलिशियस, मेलिशियस मतलब
जो बुरा बर्ताव करते हैं, जिनके मन के अंदर बुरी, जो काले दिल के होते हैं, उसको मेलिशियस कहा जाता है, जो हमेशा बुरा सोचते हैं। डबल फेस, जो डबल फेस होते हैं, यानी बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से ख़राब दिखते हैं। इंट्रिगर का मतलब जो कॉन्स्परेसी करते हैं, जो प्लॉटिंग करते हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं, उनको इंट्रिगर कहा जाता है। लोगों कहते हैं, हियर इन माई हार्ट विच वे वेयर इज द डोर, ओ आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट क्वाइट नम। लोगों कहता है, मैं लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा पैर जो है सुन्न हो गया है, वो दरवाज़ा कहाँ है? और दरवाजे की तरफ जाता है, चुबोकू कहता है, डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, मेरे घर में दोबारा कदम मत रखना, नतीले टेक इट टू कोर्ट, वी विल सी, कोर्ट लेकर जाओ मामला, हम देखेंगे। चुबोकू कहता है, डेविल टेक हिम। नतालिया, व्हाट अ रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वन, नेवर आफ्टर दैट। नतालिया कहते, कितना रास्कल है, पता इस तरह कोई अपने पड़ोसी पर कैसे विश्वास करेगा। वो कहता, द विलेन द स्केयर क्रो, वो बहुत बड़ा विलेन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।